ओ भाई आज तो यार ओगी और फ्लावर ने तो भाई मेरे ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही मैं किंग केस पे गया ना, फौरन से यार दोनों मेरे ऊपर आ गए और मुझे 100% यकीन हो रहा भाई इन्होंने जो ना अपने नेस्टिंग में कुछ एग्स वगैरह कर दिए। ये देखे फ्लावर भी नीचे आ गई थी मेरे ऊपर जंप लगाने के लिए, बाकी ओगी जो ना यहाँ पर चला गया। यार मुझे ऐसा लग रहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इनको किंग केज में शिफ्ट करके, अब इनकी वजह से हमारे सारे के सारे बर्ड्स जो ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो चले भाई जल्दी से अंदर जाकर देखता हूँ, मुझे आज लग रहा है यार इन्होंने जो ना एग्स वगैरह भाई दे दिए। चले भाई जल्दी से चलकर देखता हूँ। ये देखें यार दोनों जो है ना भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं। पहले मैं यार यही चेक करने के लिए आया था कि भाई इनके जो है ना कुछ एग्स वगैरह हम चेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मेरे ऊपर यार हमला कर देंगे। और मैंने जो ना गलती ये की कि भाई कोई सेफ्टी वाली चीज़ भी अपने पास नहीं रखी, लेकिन अब यार मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मुझे 100% यकीन है कि भाई इसने जो ना कोई एग्स वगैरह दिए हैं। इसी वजह से मैं जैसे इसके पास जा रहा हूँ ना, ये फ़ौरन से यार मेरे ऊपर जो ना हमला करने के लिए आ रही है। पहले तो ओगी ने मेरे ऊपर जंप लगा दी थी और फ्लावर ने भी जो ना यहाँ पर भाई जंप लगा दी थी नीचे, अब दोबारा उड़कर जो ना ऊपर बैठ चुके हैं। इनकी वजह से जो ना हमारे सारे बर्ड्स यार काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। तो काफी हमारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप इनको किंग केज में शिफ्ट ना करें, ये आपके यार कबूतरों के जो ना भाई बच्चे वगैरह खा लेंगे, बाकी आपके जितने भी बर्ड्स हैं ना सबके ऊपर ये हमला कर सकते हैं। मुझे पहले ही पता था लेकिन बस यार मुझसे भाई गलती हो गई है, मैंने इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। अगर मैं इनको बाहर वाले किसी केज में रखता ना वहां पर यार ये बिल्कुल जो ना सेट रहते हैं। तो अब यार मैं कर भी क्या सकता हूँ भाई, इन्होंने कुछ जो ना एग्स वगैरह दे दिए, अगर मैं इनको यहाँ से उठाऊंगा ना पता नहीं यार ये अपने जो ना एग्स खराब ना कर दे। अब मैं भाई रिस्क लेकर इसके पास जा रहा हूँ और देखता हूँ इसके नेस्टिंग में यार एग्स हैं या नहीं है। तो नज़र तो यार कुछ भी नहीं आ रहा है, बाकी इस दीवार के ऊपर यार मैं खड़ा होकर भाई यहाँ से देख लेता हूँ। ये देखें फ्लावर से अभी मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, आपको जो ना मैंने जूम करके दिखाया और ये इसके हम नेस्टिंग में हम देखते हैं यार कुछ हमें एग्स वगैरह नज़र आ जाए। तो यहाँ से तो दोस्तों कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो बस यार ये अच्छी बात है कि दोनों जो ना भाई सुकून से बैठ चुके हैं, वरना ये इतनी नज़दीक भी मुझे नहीं आने दे रहे थे। लेकिन इनके जो ना भाई नज़दीक जाना बिल्कुल भी जो ना पॉसिबल नहीं है इस टाइम जो ना काफ़ी ज़्यादा दोनों अग्रेसिव मूड में। कल दोस्तों जिस कबूतर को मैंने एंड टाइम पे ट्रैप किया था, मैंने आपसे कहा था कि यार कल जो ना भाई आपको लाजमी दिखाऊंगा, तो आज आपको यार दिखा देता हूँ। ये देखें यार ये वाला कबूतर है दोस्तों, माशाल्लाह से भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और इसका आप कलर देखें और इसकी आइज़ भी आपको दिखाता हूँ। यार बड़ी जो है ना अजीब सी भाई इसकी आइज़ है। एक मिनट यार ये मेरे हाथ में आ जाए, इधर आओ यार इधर आओ, ये आ गया भाई मेरे हाथ में। ये देखें यार इसके आइज़ आप चेक करें भाई, एक तरफ से आइज़ का कलर देखें और जो है ना दूसरी तरफ से आप देखें। और ये मुझे जो है ना इसमें यार बड़ी अजीब बात लगी है, तो लेकिन रात को तो यार मैंने इसको जो ना यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था आपको। कल दोस्तों इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, बिल्कुल अफ्तारी के एंड टाइम पर ये मेरे हाथ में आया था, मेहनत यार इसने काफ़ी ज़्यादा करवाई थी। अब इसको यहाँ पर जो है ना किंग केज में भाई अभी छोड़ देता हूँ, बाद में जो है इसके यार परों पर टैपिंग वगैरह कर लेंगे। ये भी दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर छोड़ा ना, ये थोड़ा थोड़ा सा डर भी रहा है, तो ये अपनी जगह यार बना लेगा, बाकी जो बड़े वाले मेले ना वो इसको भाई थोड़ा थोड़ा तंग करेंगे। वो देखिए ऊपर चला गया, तो चलिए भाई आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। और अब आपको भाई एक और चीज़ दिखाता हूँ किंग केज में चलकर, यार अजीब अजीब से भाई सीन हो रहे हैं हमारे साथ। पहले सबसे पहले तो मुझे ओगी और जो ना फ्लावर ने तंग किया हुआ है, उसके अलावा भाई आपको एक अजीब सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें यार ये हमारे लका के पैर का जो ना बच्चा यार बाहर आ गया है। मुझे सबसे ज़्यादा डर जो ना इन्हीं बच्चों का ही है, ऐसा ना हो कि वहाँ से ओगी और फ्लावर जो ना यहाँ पर उड़कर आ जाए इन बच्चों को यार उठा ले। इस वजह से मैं इनको अंदर कर देता हूँ। बाकी एक और चीज़ भाई आपको बड़ी अजीब दिखाता हूँ, ये देखें दो एग्स यार इसने जो ना दोबारा दे दिए, अभी इसने बस जो ना बच्चे भाई दिए थे और अब देखें दो एग्स और दे दिए। तो मुझे क्या करना चाहिए यार, इन एग्स को उठा लेना चाहिए या इनको जो ना रखा रहने दूँ? इन एग्स को भाई हम यहाँ पर छोड़ देंगे ना, हमें ये नुकसान होगा कि अपने बच्चों की जो ना फीड वगैरह बंद कर देंगे, बिल्कुल जो ना कम करवाने लग जाएंगे, जिससे यार ये दोनों के दोनों बच्चे जो ना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और ये वाला बच्चा यार मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई लेजी भी लग रहा है, मुझे लगता है भाई एग्स मुझे उठा लेने चाहिए। तो आप लोगों ने यार कमेंट्स में लाजमी बताना है कि भाई मैंने सही किया है या गलत किया है। इस बच्चे को मैं बाहर लेकर आ गया हूँ, ये देखें मच्छरों ने यार काट काट कर जो है ना कुछ भाई दाने वगैरह भी इनके कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह भाई ये सेट हो जाएंगे। बाकी हम यार दोनों एग्स को भाई निकाल लेते हैं। ये आ चुके हैं यार दोनों एग्स, तो अब हमारे पास ऐसी कोई यार कोई फीमेल भी नहीं है जो एग्स पे बैठी हुई हो, जिसके नीचे जो ना मैं ये दोनों एग्स रख सकूँ, तो अब इनको भाई ज़ाया ही करना पड़ेगा। तो दुख तो यार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो ना बच्चे को दोबारा हम छोड़ देते हैं भाई अंदर, छोटा सा क्यूट सा कितना प्यारा सा बच्चा है, और शायद ये फीड खाने के लिए जो ना बाहर आ गया था। अब देखिए अंदर चला गया ना अपने दूसरे वाले भाई के पास आराम से बैठ के। तो बाकी ये हमारे हाई फ्लायर के बच्चे देखे यार, ये तो भाई माशाल्लाह से देखे यार बड़े चल्ला के भाई, दोनों के दोनों जो ना अंदर ही बैठे रहते हैं, बाहर आने का नाम नहीं लेते। बाकी हमारे ऊपर भाई चुन्नू मुन्नू को आप देखें, इनका यार कलर कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सियालकोटी फीमेल के हैं ना, इसी वजह से इनका कलर भी बिल्कुल जो ना सियालकोटी बन रहा है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है भाई हमारे पिजन्स की। अब मैं बाहर चला जाता हूँ, सोच रहा हूँ यार इन एग्स का क्या करूँ। एक काम करता हूँ भाई, हम खिला देते हैं यार अपनी मुर्गियों को, रैबिट्स तो खाएंगे नहीं। चलो भाई आ जाओ, ये लो, ये देखिए हमारे छोटे मोटे जो ना मुर्गे भाई खा लेंगे। और एग्स को मैंने यहाँ पर फेंक दिया, एक एग्स यार इस वाली भाई मुर्गी को हम दे देते हैं।
ये देखिए खुशी के साथ दोस्तों ये खा गई है। बस यार हमारी भाई मजबूरी थी एग्स उठाना, वरना यार मैं उठाता नहीं। हमारे पास सबको ऐसा कोई पैर भी नहीं था जिसके नीचे मैं एग्स रख सकता था। तो चले यार इनको बाहर निकाल देता हूँ, काफ़ी देर हो गई इनको बाहर निकाला नहीं है, इतने ज़्यादा ये तड़प रहे थे बाहर आने के लिए। थोड़ी बहुत जो है ना फ्लाई इनको लाजमी करवाता हूँ यार। और आज देखे भाई सूरज भैया कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, क्योंकि आज जो ना मैं जल्दी यार छत पर आ गया था, क्योंकि कल भी यार काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी भाई इनको जो ना फीड वगैरह करवाते हुए। ये हमारा किंग पिजन भी आ गया, तो चलें भाई अब इनको जो ना थोड़ा सा यार उड़ा देता हूँ। हमेशा की तरह जो ना भाई डंडे से ही मुझे उड़ाना पड़ता है। देखिए यार कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी दूर तक चले गए। बाकी जो ना ये दो कबूतर मुझे लग रहा है किसी और के यार उड़ रहे हैं, ये हमारे भाई जा रहे हैं यार। ये देखिए भाई आ चुके हैं यार हमारे सारे के सारे कबूतर वापस। अच्छा मैं एक चीज़ यार और बताना भूल गया हूँ आप लोगों के, यार कमेंट्स में लाजमी रेट करता हूँ। एक हमारे प्यारे से भाई ने मुझे कमेंट्स किया था कि यार आपके पास जो ना अलग केज में जो दो कबूतर है ना उनको आप यार लाजमी भाई दिखाएं कि वो कैसे हैं। ये देखिए यार एक दोस्तों ये वाला कबूतर है, ये जो ना बेचारा यार कुछ बीमार है इसी वजह से मैंने इसको जो ना अलग रखा हुआ है। बाकी एक ये भाई बच्चा है और माशाल्लाह से काफ़ी भाई अच्छी क्वालिटी का है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी जो ना भाई हम अपने उड़ने वाले कबूतरों के साथ रख दें तो ताकि यहाँ पर जो ना सेट हो सके। लेकिन उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर जो ना भाई एक केज लगवाना पड़ेगा। बच्चों को जो ना सेट करने के लिए यार एक जो ना अलग केज भाई लगवाना पड़ता है जिसके अंदर हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे और वो बच्चे जब यहाँ पर सेट हो जाएंगे ना फिर वो हमारे जो ना भाई पक्के तरीके से पल जाएंगे, उनको हम जितना मर्जी उड़ाएंगे आसमान पर वो जो ना वापस आ जाएंगे। तो बाकी एक दफ़ा यार और चलते हैं भाई अपनी फ्लावर और ओगी के पास, जाकर देखता हूँ यार कुछ जो है ना नज़र आ जाए भाई इनकी नेस्टिंग में। मुझे शक तो पूरा हो रहा है कि यार इनका जो ना भाई कोई एग्स वगैरह इन्होंने दिया है, और सबसे ज़्यादा मुझे इनसे भाई ये डर है ये हमारे जो है ना रैबिट्स के यार बच्चों के ऊपर हमला ना कर दें। ये देखें बच्चे जो है ना बाहर निकल कर घूमते हैं ना, ऐसा ना हो कि यार ये बच्चों को जो है ना उठा कर ले जाएं। कि मेरी कोशिश है कि यार एक दफ़ा भाई मैं देख लूँ कि यार एग्स दिया है या नहीं दिया है। ये देखिए अब मैं इसके पास कैमरा लेकर जा रहा हूँ ना, इसको जो है ना कितना ज़्यादा यार गुस्सा आ रहा है, और इसके पंजे भी देखे कितने ज़्यादा खतरनाक है। ये किसी भी टाइम जो ना मेरे ऊपर जंप कर सकती है और मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। बाकी यहाँ जो ओगी साहब बैठे ना वो भी भाई ज़्यादा जो है ना आजकल गुस्से में ही है। ये जो ना अपनी यार वाइफ की बात मानते हैं, आपको पता ही है भाई जहाँ फीमेल जाती है वहीं जो है ना मेल भी जाता है, और फीमेल अगर मेरे ऊपर गुस्सा करती है ना मेल को भी जो ना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसने भी जो ना अपने पंजों को बड़ा टाइट कर लिया, मुझे लग रहा है इनसे भाई मुझे जो है ना दूर चले जाना चाहिए। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक लाजमी करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल शरीफ आदमी को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इसी तरह की जो है मज़े मज़े की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।